राजस्थान के गुलाबी नगर कहे जाने वाले शहर जयपुर में वैसे तो तमाम मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में हर कोई नहीं जानता होगा। दरअसल ये भगवान के उस अवतार का मंदिर है जिनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जिन भगवान का यह मंदिर है वे उस समय आएंगे जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा और कलयुग में तमाम पापियों का विनाश करेंगे। आज हम आपको ऐसे भगवान के मंदिर के बारे में बताएंगे जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। राजस्थान के जयपुर में बना श्री कल्की मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जयसिंह खुद भी इस मंदिर में आरती करने जाते थे। यह मंदिर जयपुर के महल के गेट के सामने स्थित है और इसे लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है। कल्की मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार को समर्पित कर बनाया गया था। कहा जाता है कि दुनिया का यह पहला ऐसा मंदिर है जो अभी अवतार देना बाकी है। समुद्र मंथन हुआ मत्स्य कुरूप बावन राम कृष्ण बुद्ध नरसिंह सारे अवतार दिखा रखे हैं इसमें। परशुराम मतलब टोटल 9 अवतार हो चुके। लास्ट में अब कल के अवतार बकाए हैं तो वो कल के अवतार भी दिखा रखा है अपने यहाँ पे। टोटल 9 अवतार हो चुके। 10वां अवतार अब होगा जिसमें कल्की जी के पिताजी का नाम विष्णु यश होगा, माता का नाम सुमति होगा, 4 भाई होंगे उनमें एक कल्की जी होंगे। कलयुग के खात्मे के साथ ही नए दौर की शुरुआत हिंदू धार्मिक मान्यताओं में लिखी पढ़ी और बताई जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के कल्की अवतार का जिक्र भी होता है जो कलयुग के दौर में पाप का नाश कर एक बार फिर पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना के लिए लौटेंगे। जयपुर में 300 साल से ज्यादा पुराने कल्की मंदिर से जुड़ी भी कुछ मान्यताएं और चर्चाएं हैं। इन मान्यताओं में कल्की अवतार के साथ एक संगमरमर का अश्व भी जुड़ा है और दोनों के साथ जुड़ी है एक दिलचस्प कहानी जिसको पूरा होने के साथ ही धरती पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी अधर्म का बोलबाला होगा तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। मान्यता है कि कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान कल्की अवतरित होंगे। यही नहीं कुछ ग्रंथों में तो उनके अवतरण का दिन भी निश्चित है जिसके अनुसार भगवान कल्की अवतार लेंगे। हालांकि उनके अवतरण से पहले जयपुर के संस्थापक जवाई जयसिंह द्वितीय ने 1739 में यहां भगवान कल्की मंदिर का निर्माण करा दिया था। परकोटा क्षेत्र में हवा महल के सामने मंदिर का निर्माण दक्षिणायन शिखर शैली में कराया गया था। यहाँ भगवान कल्की के स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। साथ ही मंदिर के अहाते में एक छतिरनुमा गुमटी में पीले संगमरमर से बनी अश्व की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी जिसके पिछले पैर का खुर खंडित है। मान्यता है कि अश्व के पैर में एक घाव है। समय के साथ साथ ये घाव भरता जा रहा है और जिस दिन ये घाव पूरी तरह भर जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की अवतरित होंगे। ये कल्की भगवान का वाहन देवदत्त हैं। इनके पांव में घाव है जो धीरे धीरे भर रहे हैं। आओ आपको दिखाता हूँ। ये घाव है। ये पहले यहाँ तक था तो मेरे पहले जो भी पुजारी थे वो ये बताते थे कि ये ऐसे था तो अब ये इतना भर गया। ये बाकी है। अब जिस दिन ये भर के कम्प्लीट हो जाएगा तो मान्यता यह है कि भगवान विष्णु कल्की के रूप में अवतारित हो जाएंगे। इनका नाम देवदत्त है और 3 रैम बने हुए हैं तो ये जीवित होकर इस रैम से उतरेंगे। 2 मंदिर के बने हुए हैं तो उस पर मंदिर में जाएंगे फिर भगवान को विराज के फिर निकल जाएंगे। नीचे तक रैम दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे मंदिर में आते हुए 35 साल हो गए हैं। हम एक साल में है ना एक दफ़े या 2 दफ़े आ जाते हैं। हम दोनों भी आ जाते हैं, बच्चों के साथ भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे है ना एक घोड़ा है, वहाँ पे है ना एक घाव है। पहले हम आए थे जब बहुत ज़्यादा था, अब तो बहुत कम है। बहुत ही मतलब ये कहते हैं कि फिर ये कलयुग समाप्त हो जाएगा ना जब ये भगवान कलयुग भगवान है ना जो अवतार लेंगे। अवतार लेंगे फिर
वहाँ पे वैष्णो देवी से शादी करेंगे, ऐसे सुनाए हैं हमने। इस मंदिर में भगवान कल्कि के अलावा माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल, शिव पार्वती, ब्रह्मा जी भी विराजित हैं। वहीं जगमोहन के दरवाजे पर भगवान विष्णु के सभी अवतारों को भी उकेरा गया है। हाल ही में देवस्थान विभाग की ओर से इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया है और इन प्राचीन मान्यताओं को सुनने के बाद कुछ श्रद्धालु यहाँ नियमित पहुँचने भी लगे हैं। मंदिर का प्रबंधन सरकारी विभाग यानी देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है।